नमस्कार, स्वागत है। सुंदरकांड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोहा एक से लेकर पांच तक के अर्थ को जाना था। इस वीडियो में हम छह से दस तक के दोहों की बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अथवा साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं? जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों? इस प्रकार से राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह बताई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है,
सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी की ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में वह कहां न माने तो मैं इस तलवार निकालकर इसे मार डालूंगा। यो कहकर रावण घर चला गया। यहां राक्षस